तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज किसी एक न्यू वीडियो में बीजीएमआई की। और मुझे पता है मैंने 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं बिजी था, बट हाँ अब थोड़ा जल्दी वीडियोस आएंगे तुम्हारे लिए। तो आज के इस वाले वीडियो में हम दोबारा से आ चुके हैं बीजीएमआई में और उतरे हैं जोर्जबुल कंटेनर्स पे। और यार सबसे बढ़िया चीज ये हुई, तुम्हारे भाई को उतरते ही एक बैरल मिल गई, उसके बाद यहाँ पे जो इन बंदों को लपेटा। और देखो जरा आज हैकर वाले आउटफिट पहन रखी है, ये बंदा साला कहीं जा रहा है। जोर्जबुल भी यही होता है स्टार्टिंग से, अगर जोर्जबुल पे उतरो ना तो ऊपर से बड़े भाई गन देख रहे हो, क्योंकि अगर तुमने ऊपर से गन नहीं देखी ना तो कोई भी नीचे तुम्हारा भसरा से उतार देगा। बहुत बुरा मारते हैं बंदे जोर्जबुल पे सीरियसली, तो थोड़ा देख के। अभी तो फिलहाल मुझे बैरल मिली थी, उतरते ही 3 किल्स करे, हैकर वाली आउटफिट पहन रखी है भाई, सारे एक्सूट वैक्सूट फेंक दिए मैंने, क्योंकि हैकर से जो बंदों को खौफ लगता है ना भाई, मतलब वो किसी से नहीं लगता। बाय द वे अपना नाम ही ऐसा है, हैकर वाला लेजेंड एक्स। बहुत बंदे मार रहे हैं इन फ्यूचर, सॉरी गाइस इन फ्यूचर नहीं मतलब पास्ट में भाई, अभी भी मार ही रहे हैं। मुझे पता नहीं मैंने आज तक वो टोटल कितने किल्स कर दिए होंगे बीजीएमआई में, बट हाँ बंदों को तो बहुत मारा है भाई। तो भी फिलहाल तो एक बंदा ऊपर गुजरा था, इसको भी मार दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिली एक M4, सारी अच्छी लूट, इसको फिनिश करा क्योंकि भाई इसको फिनिश करना काफी ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पे जिन जिन बंदों को मैंने मारा तो भाई बारी थी उनकी लूट वगैरह लेने की, क्योंकि मैंने लूट वगैरह चेक ही नहीं कर दी। और ये बताना तुम्हें फूल की पेटी कैसी लगती है। अच्छा चलो, तुम मुझे आज अपनी फेवरेट गन बताना, देन हम उसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि तुम्हें फूल M4 बढ़िया लगती है, ग्लेशियर बढ़िया लगती है, या लिजर्ड, या टेक्नो, मतलब कौन सी बढ़िया लगती है। भाई ऑलमोस्ट सारी की सारी मैक्स वाली M4 तुम्हारे भाई के पास है, तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे साइड में एक बोट घूम लगा, इसको मारा और फिनिश भी कर दिया। अब देखो पहले मुझे लग रहा था कि बंदे जो हैं वेयर हाउस में हैं, और भाई इतने में मुझे लग रहा था कि बंदे वेयर हाउस में हैं, बट बंदे नहीं थे। मैं दोबारा से पीछे चला गया, थोड़ा डर गया था मैं, क्योंकि भाई वेयर हाउस की साइड से पड़ी पता नहीं कहाँ से पड़ी मेरे, बस मैं उसके बाद हीलिंग करके थोड़ा पीछे आ गया। अब देखो जैसे ही मैं पीछे आता हूँ यहाँ पे एक बग्गी मेरे साइड से निकल जाओ भाई, यहाँ इस बंदे पे बग्गी वाले पे, वो बंदा तो जा चुका था, बट यहाँ पे दिक्कत पता क्या होगी भाई, मैं ऊपर चढ़ा और मुझे एक कैंपर बंदे ने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मार दिया। और सीरियसली भाई ये कैंपर ही एकदम चक्के से निकला, और ये देखो कहाँ से मारा है। मेरा ध्यान दूसरे वाले बंदे पे था, बट ये जो टावर में बैठा हुआ था इसका तो मुझे पता भी नहीं था। फिर उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद मैं एक और बार उतरा यहाँ पे अपना स्कूल अपार्टमेंट्स पे। अब देखो मेरी सारी गने चलेगी, मेरी बैरल चलेगी, मेरी M4 चलेगी, मतलब ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो मेरा सारा का सारा एक तरीके से नुकसान हो गया भाई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट कलेक्ट कर दी और यहाँ से बग्गी भी आ रही थी। तो गाइस जैसा कि तुम्हें पता है ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इंडिया में, और उसी के साथ साथ आते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स और काफ़ी ज़्यादा ई स्पोर्ट्स पॉपुलैरिटी। इस बात से तो यार तुम भी एग्री करोगे, क्यों ना हम इस चीज़ का एडवांटेज लें। जैसे कि तुम्हें पता है हमें ई स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो उस नॉलेज का यूज़ करके हम काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। मैं बता दूँ कैसे, तुम्हें सिर्फ CS:GO, Dota 2, लीग ऑफ लेजेंड जैसे गेम्स में रिजल्ट प्रिडिक्ट करना है कि आज कौन सी टीम कौन से टूर्नामेंट में जीतेगी, इतना सिंपल है। और देखो तुमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैशबैक मिलेगा डिफरेंट ई स्पोर्ट्स इवेंट्स पे प्रिडिक्शन और बैट करने पे, तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी चीज़ है। और इसी के साथ साथ अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो 1xLegend, तो गाइस तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा 26,000 का बोनस ओनली ऑन 1xBet पे। तो गाइस जाओ, लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगा हर बार की तरह, तो जाओ चेकआउट करो। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हाँ भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मतलब क्योंकि सारी की सारी लूट मेरी ऑलमोस्ट चली गई थी। बट हाँ मुझे लग रहा था कि हाँ इस ओजी से तो भाई कुछ तो कमाल कर सकता हूँ, और इस ओजी से मैंने कमाल करा भी। आगे देखना, एक बंदा मेरे पास आया, इसके पास से मुझे M4 मिली, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट मिली। उसके बाद सीधा तुम्हारा भाई आया ऊपर, और भाई इस वाले मैच में जो किलर मशीन की तरह बंदे मारे हैं ना भाई, मतलब सच में भाई बहुत बंदे मारे इस मैच में।
अब देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ऊपर काफ़ी ज़्यादा किल्स मिलने वाले हैं, ऊपर अभी इतने बंदे नहीं आते, मतलब पहले बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे थे जब मोड़ नया नया आया था, बट अभी मोड़ काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो मतलब इतने बंदे नहीं आते ऊपर, ठीक है। तो जब इतने बंदे ऊपर नहीं आते तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैं देख रहा था कौन है, मैंने एक बंदे को मारा भी, उसके बाद भाई मैं नीचे चला गया क्योंकि यहाँ पे बंदे थे नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक ही बंदे का मैं किल ले पाया, उसका किल लेने के बाद मैं चला गया आराम से नीचे, क्योंकि और कोई था ही नहीं और ये जगह भी जोन के बाहर हो चुकी थी, तो अगर जोन के बाहर फाइट लेते हैं तो मतलब तुम्हें पता है भाई क्या बेकार चीज़ होती है वो। उसके बाद देन गाइस मैं जोन में आ चुका था, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं मतलब वहाँ पे रहूं और मर जाऊं भाई जोन के अंदर। तो चलो चलते हैं दूसरे बंदे ढूंढते हैं, और अभी फिलहाल अपने किल्स थोड़े कम है, बट आगे जाके किल्स देखना कैसे करेंगे भाई खतरनाक तरीके से। और ये बंदा भी मेरे पीछे ही कूदा था, सच में ये बंदा मुझे इतना बुरे तरीके से मारता था। यहाँ पे इसका एक टीममेट भी था, फिलहाल मैंने उसको मारा, उसके बाद एक गाड़ी गई और इसके टीममेट को भी मारा। और मुझे ये समझ नहीं आया ये गाड़ी वाला बंदा पागल करना क्या चाह रहा था भाई, पहले ले गया फिर दोबारा ले आया, मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया भाई, वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी, मैं इसे गाड़ी से निकाल नहीं पाया, पता नहीं थोड़ा सा चौक हो गया मेरे स्प्रे। जो भी है यहाँ पे जो दो बंदे मैंने मार दिए उनका तो मुझे किल्स मिल ही गए, और बाकी वो गाड़ी वाला बंदा चला गया, मैं क्या करूँ, वो तो पहले भी भाग गया था, मतलब रुकता नहीं रुकता मेरा तो फायदा ही होता, बट वो चला गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अगर वो बंदा चला गया तो अपन चलते हैं दूसरे बंदों को टपकाने। पर हाँ मेरे जैसी हैकर वाले हों फिर के बग्गी वाला बंदा आया, ये नहीं जा पाया। भाई इस आउटफिट का तो एक ही बंदा रहेगा, यहाँ पे वो हूँ मैं। और अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ करी भाई तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं मानोगे, मैं क्यों कर देता हूँ यार ऐसी चीज़ें, मैं इसकी बेकार सी बग्गी उठा के जो कि बिल्कुल जली हुई थी, अगर इस पर कोई दो गोली मार दे तो ऐसे ही फट जाएगी, मैं इसको उठा के चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यार, मतलब दूसरी बग्गी थी नहीं, इसका भी एक टायर फटा हुआ था, बट हाँ मैं इसको लेके आ जाता हूँ। तुम जो है गाइस आगे देखना, इस वाली बग्गी को लेके मैं इतनी ज़्यादा दूर घूमा भाई, घूमता रहा मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि भाई जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, बंदे कहाँ पे मिलेंगे, बट हाँ जब मैं बहुत दूर तक इस बग्गी को चला लेता हूँ फिर मैं आके रुकता हूँ एक बहुत ही बेकार जगह जहाँ पर मुझे फाइट लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है रेंगल मैप में, वो जगह कौन सी है चलो तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ, वो है ये जगह। तुम मुझे बताना तुम्हें इस जगह पे फाइट लेना पसंद है या नहीं, बट भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस जगह पे फाइट लेना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता भाई कहाँ से पड़ती है इस जगह में, कहाँ कहाँ पे बंदे कैंप करते हैं, देखो जैसे कि ये बंदा निकला। अब यहाँ पे वैसे इस बंदे को तो मैंने मार दिया, बट यार यहाँ पे कैंपिंग अलग लेवल की होती है, बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ पे पड़े रहते हैं और दिखते भी नहीं, चढ़ भी जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे भी एक बंदे को टपका के मैं सीधा निकलता हूँ दूसरे बंदों की तरफ, और यहाँ पे इस कंपाउंड में मुझे बंदे दिख जाते हैं। और यार ये बंदा जो है बिल्कुल मेरे सामने था, तो मैं इस पे नेड वगैरह फेंक रहा था, ये बंदा भी मेरे पे भाई नेड ही नेड फेंके जा रहा था। तो यहाँ पे देखना हमारी दोनों की फाइट और बताना किसने बढ़िया खेला यहाँ। अब भाई साहब मैं सोच रहा था यहाँ पे एक बंदा है, बट ये बंदे दो निकले, उसके बाद इनके तरफ को एक इमोट कर दिया और इन्हें थोड़ा सा चिढ़ा भी दिया, क्योंकि अगर तुम किसी बंदे को मार के इमोट कर देते हो ना भाई तो आग लग जाती है उसके अंदर, वैसे मुझे भी बंदे मार के इमोट करते ही हैं। अब वैसे बारी आ चुकी थी थोड़ा AWM के जलवे दिखाने की, तो जरा देखना कैसे शॉट मारे AWM से।
गाइस मुझे लगता है AWM मेरे लिए बनी ही नहीं। सच में भाई जब भी मैं AWM चलाने की कोशिश करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से चलाता हूँ इस गन को। आई डोंट नो व्हाई। पर हाँ ये वाला शॉट काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट था। तुम मुझे बताना तुम ये वाला शॉट कैसा लगा। बाकी अगर नहीं हो तुम इस वाले चैनल पर तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो मुझे तो पता है कितने किल्स होने वाले हैं इस मैच में। तुम गैस करो इस वाले मैच में 19 किल होंगे या 20 किल, बताना जरा। उधर वाले बंदे मैंने सारे मार दिए थे, उसके बाद मैं बग्गी उड़ाता हुआ यहाँ पे लाया और यहाँ पे मिले मुझे दो बंदे। जिनमें से एक को तो M4 से मारा और दूसरा बंदे ने वहां पे स्मोक कर रखी थी और भाई ये बंदा क्लोज आ गया। वैसे काफ़ी चालाक बंदा था, इसी के साथ 19 किलो हुए और हम जीत गए वाला मैच। तो गाइस ये था आज की इस वाली वीडियो में, होप से तुम्हें पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं बोलता हूँ आपसे किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm rich.